माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टेरिट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज में हैं तो नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट योर पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग फॉर यू, लाइक क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, आपके ट्विन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके सोलमेट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन, और मैजिशियन की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज मानी जाती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा इंट्यूटिवली भी फील हो रहा था काफ़ी दिन से दैट एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज में एक शिफ्ट है, ठीक है। या तो आपके अंदर किसी तरीके का शिफ्ट आया है, इफ़ यू आर डिवाइन फेमिनंस, जो ज़्यादातर देख रही हैं वीडियो डिवाइन फेमिनंस हैं, अगर चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, इट डजेंट मैटर। ओके, तो अगर आप लोगों के अंदर या तो किसी तरीके का बड़ा बदलाव है या फिर आपके जो डिवाइन मस्कुलेंस हैं, आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं, उनके अंदर किसी तरीके का बड़ा बदलाव आ रहा है, ठीक है। ये किसी तरीके का चेंज है और ये चेंज बहुत ही सुखद होने वाला है। मुझे ये काफ़ी दिन से चैनल हो रहा था, सो आई पुट दिस एनर्जी ऑल्सो इन दिस वीडियो। पता नहीं क्या बात है, इतना फ्लक्चुएट करें ना कांच। प्लीज डिवाइनिक एंजल्स गाइड करें फॉर द पीपल हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। वाओ, चलिए देखते हैं। ये गाना जो अभी गुनगुना रही हूँ, ये गाना मैं पिन कर दूंगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा ये गाना। ना मुझे बहुत बहुत चैनल हुआ, बहुत बहुत चैनल हुआ, इनफैक्ट रिकमेंडेशंस भी आई मुझे YT के ऊपर। मैं इतना ज़्यादा YouTube यूज़ नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल, बट आई गॉट दिस सॉन्ग एज एन रिकमेंडेशन ऑल्सो, और इतना हद इधर उधर सुन रही थी मैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज हेयर फूल, फिर है हमारे पास एट ऑफ सोड्स, फिर है हमारे पास एट ऑफ पेनिकल्स, एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए और कार्ड निकालते हैं। क्वीन ऑफ पेनिकल्स, द सिक्स ऑफ पेनिकल्स, द जजमेंट एंड टेन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक टावर। मैंने बोला था ना कोई बदलाव है, कोई चेंज है, कोई तो है जो बदल रहा है। कैमरा थोड़ा नीचे करती हूँ, आई थिंक इट्स गुड। तो बेसिकली बात कुछ इस तरीके की है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके जो ट्विन हैं, जो आपके सोलमेट हैं, ठीक है, जिनके साथ आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एनर्जीज में हैं, वो इंसान बदल रहा है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको बहुत दुखी किया है, बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, उन्होंने हमेशा आपको एज अ चॉइस फील करवाया, एज अ चॉइस ही रखा है, बट राइट नाउ दे आर चेंजिंग देयर सेल्फ। वो अपने आप को बदल रहे हैं, वो अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर इन वेरी मच काइंड ऑफ ट्रबलसम सिचुएशंस, बहुत ही खराब ट्रबलिंग एनर्जीज में है वो। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है किसी तरीके की ट्रबल एनर्जी में। ये ट्रबल उनके करियर से हो सकता है, उनकी फैमिली से हो सकता है, इफ़ अगर वो मैरिड है किसी से, कार्मिक से या किसी से, तो उनकी तरफ से हो सकता है। और अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो, और आप दोनों के बीच का कोई बाउंड है तो उससे हो सकता है, किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन। मोर ओवर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा क्या करे जिसकी मदद से सब कुछ सेटल हो जाए और एक नए सिरे से जीवन शुरू हो सके। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देयर सेल्फ, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल में चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि उनके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, इस डिवाइन के लिए, एंजल्स के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेच्योर लापरवाही एनर्जी रखी है हमेशा से, फूल का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन ये लापरवाही एनर्जी ने इन्हें कुछ नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने खराब गलत डिसीजंस लिए हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग एवरीथिंग, और अब जब इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है मुझसे, हो सकता है कि पहले इनको रियलाइजेशन भी नहीं था कि इन्होंने ये गलत किया है ना, बट हाल फिलहाल इनको रियलाइजेशन चल रहा है। ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं या जितने भी सोलमेट्स हैं, ट्रू लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, इन लोगों की लाइफ में चल रहा है रियलाइजेशंस, इन लोगों की लाइफ में चल रही है न्यू बिगनिंग्स। हो सकता है आप लोगों को 111 बहुत दिख रहा है ना,
एंड जो पर्सन आपके लिए मीन टू बी है ना, वो आपके जीवन में जरूर आएगा. सी इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, सो सोलमेट्स तो फिर भी हमारे सिक्स होते हैं, राइट? एक हम होते हैं, छह हमारे सोलमेट होते हैं. बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स एक तो होते हैं बहुत कम. एंड इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, देन डेट मीन्स कि आप उस एनर्जी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते. आई डोंट नो वाई, बट मेरा गला थोड़ा खराब है. ओके, तो आपके जो पर्सन है ना, हाल फिलहाल रियलाइजेशन प्रोसेस में चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सीजन में चल रहे हैं विद दिस टावर कार्ड. बहुत सारे कार्मिक नेगेटिव साइकिल्स उनके लाइफ में चल रहे हैं, जो उनको धो धो के पछाड़ पछाड़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गलत कर दिया भाई तुमने, इसको सही करो. अब आपके बहुत आपके जो डीएम हैं, उनके दिमाग में ये सीन चल रहा है कि अरे भैया क्या कर सकता हूँ मैं, करूँ तो करूँ क्या. तो डिवाइन उन्हें कोई ना कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, और वो उस रास्ते को, कई डिवाइन मस्कुलेंस ऐसे हैं जो उस रास्ते को समझ करके उस पर मेहनत करना शुरू कर चुके हैं विद दिस एट ऑफ पेनिकल्स. कई ऐसे हैं जो अभी भी जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद भगवान ही कुछ कर दें उनके लिए. ये चीज़ डिवाइन मस्कुलिन तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो सेल्फ अवेकनिंग की एनर्जी में नहीं आ जाते, सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आ जाते, ठीक है? तो वो आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, एंड कुछ बड़ा ज़रूर क्रिएट करेंगे. इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना. इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, फैमिली बसाना चाहते हैं, और उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है दैट यू आर द ओनली वन इन देयर लाइफ. आप सिर्फ और सिर्फ इकलौते ऐसे इंसान हो जो अगर उनकी उनके जीवन में नहीं है ना, तो बस ख़त्म है, उनकी लाइफ टोटली वेस्ट है फिर, ठीक है? तो उनकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की यहाँ पर चल रही हैं. दे जस्ट वॉन्ट एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप विद यू, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो. आपके साथ जजमेंट चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. उनका दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ आप में लगा रहता है, लेकिन क्या करें उनको समझ नहीं आता. इमेच्योर बिहेवियर उन्होंने शो किया था आपको काफ़ी अर्सा पहले, उन्होंने आपको एक इमेच्योर सा नेगेटिव सा बिहेवियर शो किया था, है ना? फिर हमारे पास यहाँ पे डिसबैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है. ऑब्वियसली बात है, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे क्या करना चाहिए मुझे. फिर है डिवाइन मस्कुलेंसी. अब आप क्या बोलोगे इस चीज़ को, मैं आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ. तो ये डिवाइन मस्कुलिन ही है आपके, जो एक इमेच्योर सी एनर्जी में चल रहे हैं. ओके, डिसबैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है. एंड डीप डाउन उनको पता है, वो इन्फ्लुएंस्ड है बाई एनी फीमेल फिगर. ये फीमेल फिगर कोई भी हो सकती है, उनकी मम्मा हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, हो सकता है कि कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है? कोई फीमेल फिगर है जो उन्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है रिगार्डिंग यू, आने से रोकती है. उनको पता है कि ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सोल जर्नी है, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. साइलेंस में है, चुप है एकदम, किसी से बात नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? एंड प्लानिंग कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली प्लानिंग. मैंने कहा ना, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं. प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लाएं अपने अंदर. द लास्ट टू कार्ड्स, वन एंड दिस वन, टू. अरे चाहिए, यही वाला चाहिए. यिन एंड यांग, एम्ब्रेस द फ्यूचर. सो बेसिकली अगर आप लोगों को मैं मोटा मोटा बताऊं, तो यहाँ पे आपके जो डिवाइन मस्कुलेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इमेच्योरली एक्ट कर रहे थे, या हो सकता अभी भी कर रहे हों. डिसबैलेंस और बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, या हो सकता अभी भी हैं. किसी फीमेल से इन्फ्लुएंस्ड है वो, जो कि उन्हें इन्फ्लुएंस करती है, वो कोई भी हो सकती है. ओके, उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग चुका है, या तो या पता लगने वाला है कि वो एक तरीके की यिन एंड यांग एनर्जीज में है, जो कि एक सोलफुल जर्नी है. प्लान कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि आपके साथ इस फ्यूचर को आगे बढ़ा सकें. ओके, सो योर डिवाइन मस्कुलिन इज प्लानिंग फॉर यू गाइज. आई एम सो हैप्पी. यहाँ से भी देख लेते हैं. तो ये ब्यूटीफुल से कार्ड्स हैं, आहाना ने बनाए हैं, एंड दे आर ट्रूली अमेजिंग कार्ड्स, सच्ची. इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, दिस इज द रियलिटी जो अभी भी आई थी. इन्फ्लुएंसिंग, तो इन्फ्लुएंसिंग बहुत है यहाँ पे. हो सकता कोई दूर करता है उनको आपसे. थिंकिंग अबाउट यू होल डे एंड प्लानिंग हाउ टू रीच यू आउट. मतलब यहाँ पे भी प्लानिंग आया था, यहाँ पे प्लानिंग आया था. तो ये जो आपके ट्विन है ना, वो कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं आपके पास वापस आने का, ठीक है? प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपके पास आए. मतलब कितने कितने रेजोनेटिंग है, आप खुद सोच के देखिए. दे हैव सेक्सुअल फीलिंग्स फॉर यू, सो यस,
उनके मन में आपके लिए बहुत सारी क्रेविंग्स हैं, बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जीज हैं आपके लिए. सडन मेजर शिफ्ट आएगा, ठीक है. नॉट वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू बिकॉज ऑफ सम इशूज. तो बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जिनकी वजह से वो रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हैं, बट सडन मेजर चेंजेस आएंगे. वो बहुत ही सारे नेगेटिव लोगों से सराउंडेड हैं इसलिए वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मेजर शिफ्ट ज़रूर आएगा. ये हो सकता है उनके पास्ट की एनर्जी भी रही हो कि वो आपसे रिकनसाइल नहीं कर पा रहे थे. क्यों? योर पार्टनर इज़ कमिंग सून इन योर लाइफ सून. तो ये इसलिए भी नहीं हो, ये हो सकता पास्ट की एनर्जीज हो कि ये इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है. या फिर ये नेगेटिव जो लोग हैं ये उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके पास ना आने से रोकते हैं, ओके, कैसे ना तैसे करके. तो बट फाइनली दे आर प्लानिंग फॉर यू. दो बार ही आए हैं यहाँ पे, मेजर शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में. एंड आपके पार्टनर जो हैं आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं. कहाँ गया वो प्लानिंग वाला कार्ड? प्लानिंग प्लानिंग ये रहा, ठीक है. So they are just about to come in your life. They are planning. They are just planning for you guys. For you. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना अपना ध्यान रखिएगा. बाय.